नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माई विलेज गार्डन में स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई फोर बे मिली को काटो का ताज यानी काटो की रानी भी कहा जाता है। आप देख कर पहचान गए होंगे कि इसे काटो की रानी क्यों कहा जाता है। इसके हर तरफ काटे ही काटे हैं, जितने नोकीले काटे हैं उतने ही खूबसूरत इसके फ्लावर भी है दोस्तों। इसके फ्लावर के साथ साथ इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत और हरे भरे दिख रहे हैं दोस्तों। ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो होने वाला कटिंग है और ये हम लोगों ने बरसात के पहले लगाई थी। देखो दोस्तों, कितने बड़े हो गए। ये हमने प्लास्टिक के थैली में लगाए थे दोस्तों। आप गमले में भी लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, ये सब कैक्टस फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। सब अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के हैं। ये हम लोगों ने कुछ बरसात के पहले लगाई थी और कुछ अभी 2 महीने पहले लगाई हुई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो, ये ई फोर बे मिली का ही एक वैरायटी है, पर इसके पत्ते छोटे हैं और इसके फ्लावर भी छोटे हैं। ये हम लोगों ने बरसात के पहले दोस्तों लगाए थे, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये अभी 2 महीने पहले लगाए थे, आप देख सकते हैं। कई हमने लगाए हैं। ये वाइट कलर में है, ये भी छोटे पत्ते वाले हैं। इसके लिए इसके फूल फ्लावर भी दोस्तों छोटे ही है। और दोस्तों, ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सिर्फ एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कि इसके पानी की आवश्यकता बहुत कम होने की वजह से इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो जल्दी जल्दी सूख जाए। और सर्दी के मौसम में इसको कम से कम 5 या 6 दिन बाद ही पानी डाला करिए। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग आप गमले में या प्लास्टिक बैग में लगाते हैं तो कम से कम 4 दिन तक उसको पानी मत दीजिए। 4 दिन के बाद ही उसको पानी दीजिए। कटिंग लगाते तुरंत ही पानी मत दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की मात्रा होती है दोस्तों। ये प्लांट हम लोगों ने बरसात के पहले लगाए थे, अभी ये काफ़ी बड़ी हो गई है, आप देख सकते हो दोस्तों। अभी हम लोग इसको गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग गमले के लिए सॉइल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग 60% गार्डन की मिट्टी या आप अपने खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग मिलाएंगे नीम खली। ये नीम खली मिलाने से ज़मीन भुरभुरित बन जाती है, मतलब जो पानी डालने के बाद और सूखने के बाद ज़मीन पूरी जाम हो जाती है, वैसे वो जाम नहीं होती है और पानी जल्दी सूख जाती है दोस्तों। ये नीम खली, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जैसे जो भी आवश्यक न्यूट्रिशन लगते हैं पौधे को ग्रो होने के लिए, वो सब इसमें मिल जाते हैं। नीम खली एंटीबैक्टीरियल है, वो बैक्टीरिया को भी मारती है। यह फंगिसाइड भी है, यह फंगस को भी मार देती है दोस्तों। और जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो ऐसे गमले में ज़्यादा करके फंगस की समस्या होती है दोस्तों। इसके लिए नीम खली हर प्लांट में मिलाना बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग ले लें 20% वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को बहुत जल्दी सुखा देती है और ये बहुत ही आवश्यकता होती है इस प्लांट के लिए। ई फोर बे मिली ये एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। हम लोग थोड़ी मात्रा में जो अपने चावल का यानी धान का जो किस रहता है वो हम लोग लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़मीन को बहुत भुरभुरी बनाती है और पानी ज़्यादा टाइम अपने अंदर नहीं रखती है और पानी को बहुत जल्दी सुखा देती है दोस्तों। ये हमने ऑलरेडी सोइल बना लिया है, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इसका जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन का थैली है, वो हम लोग इसको काट देते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम थैली को काट रहे हैं और थोड़ा काटते वक्त बहुत ही संभालना पड़ता है। इसके कांटे बहुत ही नुकीले होते हैं। जब भी हम पानी डालते हैं या खाद डालते हैं तो हमें बहुत संभालना पड़ता है अपने हाथों को, क्योंकि ये चुभ सकते हैं दोस्तों। इस गमले को आप देख सकते हैं, ये थैली की वजह से इसके रूट्स ज़्यादा फैल नहीं पाए और इसके कारण इसकी जो ग्रो है वो रुक जाती है। इसके लिए हम लोग इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं बड़े गमले में। देखो, आप रूट देख सकते हैं दोस्तों, ये रूट फैल नहीं पाए। इसके लिए सब एक ही जगह पे
जमा हो गया है। दोस्तों इसके लिए हम लोग अभी इसको गमले में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक गमला लेंगे प्लास्टिक का, और हो सके तो आप मिट्टी का गमला लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखो दोस्तों, ये हम लोगों ने मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं इसके बॉटम में 5 होल गिराए हैं ताकि पानी अच्छे तरह से निकल जाए। देखो दोस्तों, अभी हम लोग इस पॉट में, इस गमले में हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, और हो सके तो दोस्तों थोड़ा बड़ा गमला लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको वापस दूसरे गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं करेगी। आप देख सकते हैं, तो हमने जो मिट्टी तैयार की है वह अभी हम राउंड से हर जगह से भर रहे हैं। और दोस्तों, काम करते वक्त बहुत ही संभालना होता है, इसके कांटे चुभने की बहुत ही आशंका होती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग गमला भी धीरे धीरे भर रहे हैं, और बहुत ही संभाल के। दोस्तों ये हम लोगों ने जो मिट्टी बनाई है ये जल्दी जल्दी पानी सोख लेती है, मतलब ज़्यादा तक ये पानी को पकड़ के नहीं रखती है, और ये बहुत ही आवश्यकता है इस पेड़ के लिए। ये पौधा दोस्तों ऐसा प्लांट है कि इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग अभी दूसरे पौधे को 2 या 3 दिन में पानी डालते हैं, तो इसको कम से कम 4 या 5 दिन में हमको एक बार पानी डालना होगा, और सर्दी के मौसम में तो हफ्ते में एक बार डालेंगे तो भी चलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों इसके जितने फ्लावरिंग भी खूबसूरत है उतने ही इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत हैं, इसके लीव भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों अभी हम लोग, दोस्तों ये प्लांट हमारा शिफ्ट हो गया है, अभी इसके में हम थोड़ा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम लोग इसको कम से कम 4 या 5 दिन तक वापस पानी नहीं डालेंगे। और ये पौधे को हम लोग ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो, हमारे बगिया का या हमारे गार्डन का ऐसा कोई कोना हो जहाँ पे 5 या 6 घंटे की धूप आती हो, वो भी कड़क धूप आती हो, उसी जगह पे हम लोग रखेंगे। क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, पानी कम चाहिए और धूप इसको बहुत ही ज़्यादा चाहिए। दोस्तों जितना धूप अच्छी रहेगी उतनी अच्छी खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होगी दोस्तों, और इतने ही हरे भरे इसके पत्ते भी होंगे। इसके लिए हमेशा याद रखना कि इसे पानी कम चाहिए, और जितना पानी कम चाहिए उससे कितने ज़्यादा गुना उसको धूप चाहिए। हमारा प्लांट अभी शिफ्ट हो गया है गमले के अंदर, अभी हम लोग इसको हमारे बगिया में, हमारे गार्डन में अच्छी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा धूप आती है वहाँ पे रख देंगे दोस्तों, और फिर इसका अपडेट हम लोग देते ही रहेंगे कि ये किस तरह ग्रो हो रहा है और किस तरह इसके फ्लावरिंग बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।